धर्मपालु वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाकरौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या तम्बाकपोबिम्बाधरोष्ठि ॐ नमः परम हंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेदितं विश्वसर्ग विसर्गादिं नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनुमामित जय श्रीरूपनाथं भट्ट रघुनाथ श्रीगोपाल भट्टदास रघुनाथ केशव गोसाई करि चरण वंदन जाहित विघ्ननाश सहिष्ठ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्रीमनित्यानन्द प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की सुभाष पंडित की सकल आचार चरण की ब्रजरानी राधा रानी की श्री लाडली लाल की श्री श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारिणी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पिताये गौर हरि परम मंगल में कारण करना बनना है बात श्री बजरानी राधारानी की अहित की बात शायद हम लोगों को लाभ कुष्मांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का सोर्स प्रदान हो रहा है विलाप पुष्पांजलि श्लोक संख्या 80 80 है ना कौन है 79 79 है ना सुललित निज बाह्याश्लिष्ट गोष्ठेन्द्र सुनो सुललित तर बाह्याश्लिष्ट दिव्यंत तासां मधुर मदन गानं तन्वती तेन सार्धं सुभग मुखी मुदं मे हाकदा दास्यसि त्वम् श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कार्तिकेय जी की एक विशिष्ट लीला का स्मरण कर रहे हैं कह रहे हैं कि हे सुधामुखी किशोरी जी का नाम सुधामुखी शोभनम बदनम जस्या प्रिया जी का मुखमंडल इस मुखमंडल में सबसे सुंदर है सुभग है सुललित निज बाह्याश्लिष्ट गोष्ठेन्द्र सुनो सुललित श्याम सुंदर का बाह कैसा है तो कहते हैं सुललित निज बाह
भागवत में लिखा गया है और भुजगेंद्र भोग भुजदंड विषक्त दिया, सांप की तरह जिनका भुजा सुवलित बिल्कुल गोला गोला। गोष्ठेंद्र सुनो, नंद नंदन श्री कृष्ण का ऐसा बाण सुवलित तरवाहिया श्लेष दिव्यंत ताशा। प्रिया जी का बाण और प्यारे श्याम सुंदर का बाण दोनों मिल करके अश्लेष दिव्यंत ताशा, हजार लंबित बाहे न बाहना अश्लेष्य अश्लेष्य आलिंगनम तेन दिव्य नतो स्कंधम यस्याशः। प्रियालाल अपने दोनों बाहों में आलिंगन बद्ध है, तब तेन सार्धम ठीक उसके आधा मधुर मदन गानम तनवती। प्रियालाल दोनों एक दूसरे के भुज पास में बंधे हुए हैं, श्री कृष्ण न सह मधुर मद गानम विस्तारयति सति। उस समय प्रिया जी गान कर रहे हैं, गीत गा रहे, मधुर गान गा रहे। कैसा गान है तो मदन गान, जिसको स्वामी हरिदास ने केली बार का केली माल लिखा है, वो गान कर रहे हैं। महियम उदम हर्षम दास्य से उन प्रियालाल आलिंगन बद्ध होते हुए जो प्रिया जी के श्रीमुख से जो मधुर गान निकल रहा है, वो गान को मैं कम श्रवण करूँ, कम मैं सुनूँ। आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जुगल के प्रियालाल के जुगल माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। यह आस्वादन की परंपरा चल रही है, ऐसी आस्वादन चल रहा है, स्वयं आस्वादन आचार्य चरण कर रहे हैं और करते करते वर्णन कर रहे हैं, ये लीला गान कर रहे हैं। वास्तव में प्रियालाल का जो इस दिव्य विहार का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, कोई चाहे कि मैं वर्णन कर दूं तो क्या करेगा, मान किसी का प्रवेश ही नहीं है। महापुरुष लोग थोड़ा थोड़ा जत किंचित वर्णन किए, उस मधुर विलास का भला इस संसार में कौन वर्णन कर सकता है। जितना कुछ संभव है उतना लोग व्यक्त करते हैं इस रस का, खास करके जो प्रियालाल के दिव्य विहार है उसको ग्रंथ में भी कहीं लिखा नहीं गया। महापुरुषों की जिस रस की अनुभूति होती है, जिस भाव में रहते हैं, उससे बहुत डाउन होते हैं, नीचे उतर कर लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो उस रस को भला कोई कैसे वर्णन कर सके। जितने भी महापुरुष लोग ग्रंथों में अपनी वाणियों में कुछ कुछ प्रियालाल के नित्य विहार का वर्णन करते हैं तो बहुत थोड़ा, जिस रस में अनुभव होता है उस रस से बहुत नीचे उतर जाते, नीचे उतर करके उस वस्तु को लिखते हैं। अर्थात जितना आनंद मिलता है उस लीला के चिंतन में वैसा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। आज यदि कोई वर्णन करने चले भी तो उसके पास भाषा नहीं, बोलेगा क्या, क्या बोलेगा। जो गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भाव है, नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है मुखा स्वादन मत। जीभ के पास वाणी है, जो देखा है अनेत्र के पास तो वाणी है नहीं, तो जिस रस की अनुभूति होती है उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता है, किसी में ताकत है ही नहीं। साक्षात प्रिया जी भी सोचे कि मैं अपने नित्य विहार का वर्णन कर सकूं तो वर्णन नहीं कर सकते, न कृष्ण कर सकते हैं। जैसे सूरदास जी लिखे हैं कि जैसे किसी गूंगे को खूब सुंदर आम खिला दीजिए, मालदा आम खिला दीजिए और पूछिए कि कैसा लग रहा है तो क्या कहेगा, बेचारे का तो वाणी है ना, ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन क्या कहेगा, कह नहीं सकता। उसी तरह इस मधुर रस की चर्चा होती है तो बहुत डाउन होकर नीचे उतर करके चर्चा करते हैं, वहां पर किसी का प्रवेश है नहीं कर सकता है।
मुख का स्वाद अनुभूत। और यदि कोई किसी को वर्णन भी करता है तो एक तो वर्णन करने वाला डाउन होता है और सुनने वाला और अधिक डाउन होता है, क्योंकि सुनने वाला वहां तक पकड़ नहीं है। जो रस की चर्चा हो रही है उसका मन कहाँ कहाँ घूम रहा है, किस किस कैसे कैसे अन्न खाया हुआ है, कैसे कैसे लोगों का संग किया है, और उन लोगों को ये मधुर रस की कथा तो उल्टी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या तो पागल हो जाता है बेहोश। इसीलिए निधिवन में सेवा कुंज में यदि कोई जाता है तो पागल हो जाता है। अधिकारी है नहीं उस रस का स्वागत कर ली। प्रियालाल के दिव्य दिव्य विहार का यदि हम लोग दर्शन कर लें या तो मर जाएंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी स्थिति वैसी तो है नहीं। संसारिक प्राणी है, रोटी दाल इच्छा है खाने की इच्छा है, और उस रस में तो भूख है तो प्यास है। यहाँ तक कि भागवत में तो लिखा गया है कि भक्ति की साधना काल में, साधना स्थिति में ही ये जितने दोष है सब नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम लोग विचार किए, हम लोग अभी साधना प्रारंभ ही नहीं किए। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था बिगिनिंग स्टेज जो है वो भी तो चालू नहीं हुआ है, क्योंकि भक्ति आने से पहले ही ये शरीर को दिव्य बना देती है। अतः कृष्ण नाम आदि भव न भवित ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखो ही जिह्वा दो स्वयं स्फूर्ति से। ये प्राकृतिक इंद्रियों के पास इतनी ताकत ही नहीं कि कृष्ण नाम ले ले और कृष्ण लीला का वर्णन कर सके, इतना सामर्थ्य नहीं। तो यदि ये वर्णन किया जाता है कुछ भी तो बहुत नीचे उतर करके धरातल, जैसे श्रीमद् भागवत है, ये भागवत समाधिस्थ ग्रंथ है। आज तक एक नहीं लाखों लोग भागवत पट्टिका लिख चुके हैं, लेकिन कौन सत्य इसको कोई बता नहीं। झगड़ा चल रहा है, विवाद आज तक चल रहा है। विशिष्टाद्वैत वाले कहते हैं कि मेरा सिद्धांत सत्य, द्वैताद्वैत वाले कहते हैं कि नहीं मेरा सिद्धांत सत्य, अचिंत भेदा भेद वाले कहते हैं कि नहीं मेरा सिद्धांत। तो सभी महापुरुष लोग अपने अपने पक्ष को बोलते हैं, किसी का गलत नहीं, किसी का गलत नहीं, जिसका जितना अनुभव उतना बता मिलता है। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहा है, अब जितना जिसकी सामर्थ्य है उतना फ्लांग मारता है ऊपर चढ़ता है, वैसे ही भगवान अनंत है, उनकी लीला अनंत है, उनकी रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, धाम माधुरी, ये सब अनिवर्तनीय है, ये वाणी का विषय नहीं है। फिर भी महापुरुष लोग अपने वाणी को सत्य करने के लिए, अपने वाणी को सार्थक करने के लिए उस रस की चर्चा करते हैं। साधन भक्ति के प्रभाव से जब समस्त दोष का समूल नष्ट हो जाता है, भक्ति निर्दोष निर्धूत दोषा नाम प्रसन्नोज्वल चेतसा। यदि भक्ति की प्रारंभ हो जाए तो आदमी मतवाला हो जाता है, जद ज्ञात्वा मत्तो भवति आत्मा रामो भवति न किंचित वांछति न किंचित सोचति। ये भक्ति की बिगनिंग स्टेज है। भक्ति की आभास भी यदि किसी के हृदय में हो जाए थोड़ा सा भी तो मतवाला हो जाए, किसी का प्रवाह नहीं करे, मत हो जाए। अलमस्त आजाद फकीरों का कोई क्या समझे, कोई क्या समझे, वो दुनिया से ऊपर उठ जाता है। फिरते रूहानी दुनिया में दुनिया को पर्दा फास, दुनिया के पर्दा को फास करके रूहानी दुनिया में घूमते रहते महात्मा जी। उस थोड़ा सा रस की चर्चा हो जाए, थोड़ा सी अनुभूति हो जाए तो चित्त बिल्कुल विशुद्ध सत्वम वसुदैव संवितम, विशुद्ध सत्व की स्थिति हो जाएगा और उज्ज्वल रस का प्राप्ति होगा। जो थोड़ा सा भक्ति की प्रारंभिक अवस्था हो जाए, महाप्रभु के दिव्योन्माद के हम लोग वर्णन करते हैं, वहां तो कहां किसी का प्रवेश नहीं, राधा रानी का वर्णन। इसीलिए समाज लोग ऐसे महापुरुषों को पागल कर देते हैं, हमारे बस की बात है, पागल हो गया। और उस रस को प्राप्त करने का उपाय क्या है तो रसिक महापुरुषों का संग। देखो भाई, ये जिस रस की हम लोग चर्चा करते हैं ये पढ़ने से नहीं होगा न सुनने से, कैसे होगा तो रसिक महापुरुषों की सेवा करने से। जिस वस्तु जिसको ये वस्तु प्राप्त हो गया, वैसे महापुरुषों की जब
सेवा नहीं करेंगे। एक महात्मा खिदमत कर फकीरों का, जिस रस की यदि चर्चा करना है, उस रस को प्राप्त करना है, तो वैसे महापुरुषों की सेवा करो, वैसे महापुरुषों के साथ में रहो। रसिक जनों के बिना साथ किए यह रस चलता नहीं। और खासकर जिसको श्री कृष्ण के चरण कमल की नित्य तरंग को प्राप्त करने की इच्छा है, वैसे महापुरुषों की हमेशा चर्चा, उनका सत्संग, उनकी वाणी का चिंतन बार बार किया जाए, तभी ये प्राप्त होने वाला सकता है। इसीलिए विरह चाहिए, हमको ये रस चाहिए। जब तक इसके लिए तड़पन नहीं होगा, उत्कंठा नहीं होगी, तब तक ये भोगा नहीं। विरह वेदना के आघात से जब तक हृदय पिघलेगा नहीं, तब तक इस रस का आदान प्रदान नहीं। जैसे मोम देखे, मोमबत्ती देखे हैं, मोमबत्ती कठोर होता है, उसको आग के ताप से गला करके उसमें जो रंग डाल दो वैसा बने। वैसे ही ये चित्त है, अनादि काल से विषयों का संसर्ग करने के कारण यह चित्त बिल्कुल कठोर हो गया। इतना कठोर है, हो गया है कि भगवान का नाम, भगवान की लीला सुनने के बाद भी आंख से आंसू नहीं गिरते, इतना कठोर हो गया। भागवत में लिखा गया है, हृदयम बतीदम जद गृह माणि हरिनाम धेय। यह हृदय क्या हो गया है कि अस्मशान हो गया। अस्मशान माने पत्थर हो गया है। पत्थर माने कि अपराध करते करते जो द्रवित हृदय, हृदय क्या है, बिल्कुल तरल है, द्रव है। वो अपने बेटा बेटी के लिए तो रो लेता है, धन के लिए रो लेता है, लेकिन कृष्ण के लिए आंख से आंसू नहीं गिरते। भयंकर अपराध का कारण ऐसी हो गया। जब तक आकुल प्राण नहीं होंगे, आकुल होकर के जब प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक इस रस की अनुभूति नहीं होती। तो कब होगी, एक वर्ष, दो वर्ष की, तो कहना अभी तत्काल होगी, अभी अभी रहो ना, अभी भगवान के लिए प्राप्त करो, क्षण में मिल जाता है। लेकिन आकुलता, हजारों हजारों वर्ष तक भजन करने के बाद ये आकुलता प्राप्त किया जाता है, आकुल हो जाता है। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री गौरांग महाप्रभु का संग करके आकुलता प्राप्त कर ली। राधा कुंड के तट पर इतना गाढ़ चिंतन करना है, इतना आकुल हो गए हैं कि जिस आकुलता के कारण प्रिया जी तुरंत प्रकट हो गए। प्रिया प्रियतम के उस नित्य लीला विहार का वर्णन करते हैं, ये है स्वामिनी जी का नित्य विहार। पहले केश पास, केश श्रृंगार की सेवा से श्याम सुंदर को मिला, इसके बाद मधुर लीला, इसके बाद मधुर गान, प्रियालाल नित्य आलिंगन बद्ध होकर के उस विहार का वर्णन गान करते हैं। दोनों विभोर महामादनाच्य महाभाव आविष्ट प्रिया जी और प्यारे श्याम सुंदर, दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, तो एक दूसरे की प्रेम में बिल्कुल आबद्ध बंधे हुए। ललित माधव नाटक में लिखा गया है कि रुक्मिणी हरण के पूर्व गरुड़ जी रुक्मिणी जी के मुख रूप गुण पर मोहित हो। रुक्मिणी जी कौन है, साक्षात लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई, क्षीर सागर से प्रकट हुई। इनको देख करके मुक्त हो, मोहित हो गए। इस सौंदर्य सिंधु को मथा गया तो उसमें से कौन निकला, रुक्मिणी जी। ऐसा सुंदर रूप, नेत्रों की वैसी प्रीति विधान, जिसको देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गरुड़ जी के बात को सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सखे भवतु किमेते न जदेश रूप मात्रे न हारी हो। सखे तुम जिस रूप सौंदर्य का बात कर रहे हो, वहां पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि रूप मात्र देखकर कभी कृष्ण मोहित नहीं होते।
श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए सुंदर रूप की आवश्यकता नहीं, कृष्ण को मोहित करने के लिए सुंदर भाव की आवश्यकता। खूब सुंदर रूप हो और भाव गड़बड़ हो। रुक्मिणी के पास रूप तो खूब अच्छा है लेकिन सामंजस्य रहती। अब प्रिया जी के पास क्या है, तो भाव है, जिस भाव के कारण खराब रूप भी सुंदर दिखने लगे। तो श्री कृष्ण कौन है, तो भावग्राही जनार्दन। भाव ये तो चाहिए भगवान। ये ब्रज गोपियों के भाव के आगे प्यारे से हम सुंदर लोग बोल रहे, इनका भाव कितना, भाव बने इतना लालित्य है, इतना प्यार है प्रिया श्याम सुंदर के प्रति। आप देखिए ये दोनों प्रियालाल एक दूसरे के बाहों में आबद्ध हैं और आबद्ध होकर के गान कर रहे। प्रिया जी श्याम सुंदर की महिमा गान कर रही हैं और श्याम सुंदर प्रिया जी की महिमा, यही निकुंज में यही होता है। दोनों एक दूसरे के हृदय की चोरी करते हैं। स्वामी जी प्यारे श्याम सुंदर की उस रस का आस्वादन करती हैं, उनकी भाव की, और प्यारे श्याम सुंदर भी प्रिया जी के भाव को, दोनों एक दूसरे के पकड़ करके आलिंगनबद्ध उस समय गान कर रहे हैं। श्याम बंधु आमार प्राण तुम, देखिए ये गान कर रहे हैं। राधा रानी कह रहे हैं कि प्यारे तुम हमारा प्राण, प्राण प्रिया जू प्रिया जू प्यारे जू प्यारे जू, मुंह से ही निकल रहा है। मैं कितना भी प्रयत्न करता हूँ, मैं तुझको कहाँ रखूँ, रखने के मैं स्थान खोज रही हूँ लेकिन मैं पता नहीं चल रहा है मैं तुझको कहाँ रखूँ। कौन शुभ दिन देखा तुम्हारा स्वामी पसारी तेना दिया, जिस दिन मैं आपके मुखमंडल का दर्शन की उस दिन से मैं आपको छोड़ नहीं पा रहा, हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं आपको छोड़ सकूं। आपको देखने के बाद मैं अपने धैर्य को खो देती, हमारे में इतना ताकत नहीं कि मैं अपने धैर्य में अपने स्थिति पर स्थिर रह सकूं। आपको देखते ही मेरा प्रत्येक अंग प्रत्येक बदन कांपने लगता है। आप प्राण ही हैं, मैं तो यही चाहती हूं कि हजारों बार जब जब मरूं और मर करके इसी रूप का स्वादन करते हूं, आपके अतिरिक्त मैं कुछ चाहूं नहीं। आप दया करके अपने चरण में मुझे स्थान दे, हमारा कौल गौरव धान सब नष्ट हो जाए लेकिन प्यारे आप ही हमें प्यारे लगे, आपके अतिरिक्त हमें कुछ भी अच्छा न लगे। ये कौन गान रहा है, राधा किशोरी जी कह रहे हैं। देखिए किशोरी जी का प्यार, फिर प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं, सुंदरी हमको क्या कह रही है। श्याम सुंदर कहते मैं क्या कहूं, तुम्हारे प्रीति के आगे मैं 24 घंटा भी हो रहता। स्वामी जी कह रहे हैं हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता है, हमेशा तुझको पाने के लिए उच्चाटन बना रहता है। हम इस विश्व ब्रह्मांड में सभी जगह घूमा लेकिन तुम्हारे जैसा मुझको कोई नहीं। अरे तुम्हारे लिए ही मैं गंगा जमुना जी के तट पर जंगल में वृंदावन गोवर्धन प्रसाद आनंद गांव ऐसे घूमते रहते हो, मेरा एक ही लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य गैया हुए चराना नहीं, हमारा केवल एक ही लक्ष्य है तुझको प्राप्त करना। कहाँ तक कहें, खाते सुते आन नहीं जीते सदा ही जागे बने, खाते सोते सब समय केवल हमारे चित्त पर तुम ही चढ़ी रहती। तुम क्या हो हमारा हमको पता नहीं चल रहा है, हमको मुझे पता नहीं चल रहा है मैं तुझको कहाँ रखूं, लगता है कि अपने प्राण को चीर तो उसी में तुझको छिपा है। प्यारे से आप सुन रहे ये प्रियालाल का, देखिए यही गांव यही बातचीत चलता रहता है। निकुंज में एक दूसरे की महिमा गान करते रहते हैं, तुम हो प्राण तुम हो प्राणनाथ। राधा रानी कहती हैं, प्रिय जी कहती हैं, सदा सोचती रहती हूँ मैं क्या दूँ तुमको जीवन धन, जो धन देना तुम्हें चाहती
तुम ही हो वह मेरा धन। प्रिया जी कहती है श्याम सुंदर को इस प्रकार, लेकिन श्याम सुंदर गाते हैं फिर प्रिया जी गाते हैं। प्रिया जी कहती है प्यारे मैं हमेशा सोचती रहती हूँ मैं क्या दूँ तुझको, सबसे दुनिया में सबसे अच्छा वस्तु वो वही मैं तुझको दूँ, लेकिन पूरे भूमंडल में घूमते घूमते थक करके मैं देखती हूँ तुम्हारे जैसा सुंदर वस्तु कुछ है ही नहीं, अब मैं दूँ क्या। जो धन देना तुम्हें चाहती तुम ही वह मेरा था। देखो भाई भगवान को जो कुछ भी दिया जाता है वही वस्तु हजार गुना करके हमको मिलता है, तो भगवान को सबसे अच्छा अपना प्राण देना चाहिए, अपना मन दे दो। इसीलिए भगवान कहते हैं संसार की वस्तु क्या हमको दे दो, हम अपना मन दे दो, मन बना पाओ। मन तो लोग दे देते हैं अपनी पत्नी को अपने बच्चे को परिवार को और भगवान को 2 रुपये चढ़ा देते, तो भगवान को कितना दुख लगता है। मन तो दे दिया है उधर, अब तो चार नोट ठाकुर जी पर पटक देते, उसको ये पता नहीं है कि साक्षात लक्ष्मी भगवान की चरण से मिला, अब भगवान को ठगते हैं। अरे भाई जिसको मन दे देगा सारी वस्तु तो उन्हीं को चला जाएगा, तो भगवान कहते हैं तू हमारा तुम अपना मन दे। वही प्रिया जी कहती हैं इस भूमंडल में सबसे प्यारा वस्तु हमको कुछ मिला नहीं, जो धन देना तुम्हें चाहती तुम ही हो वह मेरा धन, तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो प्रियतम सदा तुम्हारी मैं, बस तो तुम्हारी तुमको देते पल पल हूँ बलिहारी मैं। देखिए प्रियालाल की दिव्य ये इसी को कहते हैं केली वार्ता। प्रियालाल दोनों निवृत्त निकुंज में एक दूसरे की गीत गा रहे, इसी को कहते हैं मदन गीत। श्याम सुंदर कहते हैं हे प्रियत मेरा राधिके तेरी महिमा अनुपम अकथय अनंत। प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं हे मेरी प्रेमी प्यारी जो, हे किशोरी जो, हे लाडली जो, हे प्रिया जो, तेरी महिमा अनुपम है किसी से उपमा दी नहीं जा सकती है, संसार में कोई ऐसी नारी नहीं जिससे मैं आपकी तुलना करूं, है नहीं कोई, न लक्ष्मी है न अरुंधति है न सावित्री है न रुक्मिणी है न सत्यभामा है, खास त्रय लोग इस तीनों लोगों में कोई है नहीं जिसकी मैं तुमको उपमा दे दूं, तेरी महिमा अनुपम है। यदि कदाचित तुम्हारी महिमा का गान भी मैं करना चाहूं तो अकथ है कह नहीं सकता, प्रिया जी की महिमा प्यारे से हम सुंदर नहीं कर सकते, कृष्ण में इतनी ताकत नहीं, कृष्ण कौन है जानते हैं, वक्ता भागवत में लिखा गया कर्ता वक्ता और अभिरक्षिता श्री कृष्ण, ये धर्म के वक्ता हैं, कृष्ण जैसा प्रवचन करता है जगत में कोई नहीं, इतना सुंदर भाषण देने वाला कृष्ण है। दो भाइयों के बीच युद्ध हुआ और दोनों को समझाने के लिए 1 घंटा का केवल प्रवचन दे दिए, वो पूरे विश्व संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ होगा गीता होगा। गीता भगवान कोई सोच समझ कर उपदेश नहीं दिए, ऐसे ही झगड़ा हो रहा था तो थोड़ा समझा दिया, ऐसा बड़ा वक्ता राधा रानी को कहता है अकथ, हम अपने बाणी से आपकी महिमा नहीं कर सकते, प्रिया जी की महिमा श्याम सुंदर कर ही नहीं सकते, अकथ अनंत अनंत है। तो आप चुप हैं तो कहते हैं नहीं तुम्हारी महिमा हर एक अवतार में गाता हूँ, जुग जुग से गाता मैं अविरत नहीं कभी भी पाता अंत। प्रत्येक अवतार में जिस अवतार में मैं अवतार लिया उस अवतार में केवल मैं तेरी ही महिमा गाता रहा, जुग जुगांतर से तेरी लीलाओं का गान करता रहता हूँ, लेकिन आज तक उसका अंत पाया नहीं। ये देखिए प्यारी जी बोल रही हैं फिर प्यारे श्याम सुंदर कहाँ तक कहूँ, प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं कहीं न मिला प्रेम सुचि ऐसा,
कहीं न पूरी मन की आस। श्याम सुंदर की वाणी है, आप जैसा पवित्र मन मुझको कहीं मिला है। अरे महाराज, राधा रानी की महिमा पर बताने के लिए चंद्रावली बनाया गया है। चंद्रावली साधारण नहीं है, लेकिन चंद्रावली भी राधा रानी की तुलना नहीं कर सकती, न लक्ष्मी कर सकती, कोई नहीं कर सकता। अरे कहाँ तक कहूँ, तुम्हारी ही परीक्षा के लिए, तुम्हारे जैसा प्यार खोजने के लिए मैं कुब्जा से प्रेम कर, मैंने 16108 पटरानियां बना ली कि कहीं भी तेरा गुण कहीं छिपा हो, लेकिन कहीं न मिला प्रेम सूची ऐसा, कहीं न पूरी मन की आस, कहीं मेरा आस पूरा ही नहीं हुआ। एक तुम्ही को पाया मैंने, पूरा विश्व वर्तमान, पूरा लीला, अनंत अनंत सत्य युग त्रेता द्वापर, सब जगह में घूमा, सभी बार अवतार लिया, लेकिन तुम्हारे जैसा केवल तुम ही पर, एक तुम ही को पाया मैंने, जिसने किया पूर्ण विलास, हमारी पूरी लालसा को पूरा कर। हे प्रिया जी, केवल आप ही। देखिए प्रिया जी कौन है, राधा रानी कौन है, और श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण का अर्थ होता है आप काम, पूर्ण काम, आप समस्त काम, जिनके पास कोई कामना न, जो हमेशा तृप्त है, जो निष्काम है, जो नित्य है, उन श्री कृष्ण को भी, उन श्री कृष्ण को जो नित्य तृप्त निष्काम नित्य में मधुर अतृप्त मधुरतम काम, उन नित्य तृप्त श्री कृष्ण में भी कामना जग जाती है, तृप्त को भी अतृप्ति हो जाती है। राधा रानी को पा करके प्यारे श्याम सुंदर जो पूर्ण काम है, आप्त काम है, आप्त समस्त काम है, आत्मा राम है, जो जिनको उनके अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं चाहिए, जो आत्मा राम श्री कृष्ण है, पूर्ण काम, लेकिन प्रिया जी को देखते ही श्री कृष्ण अतिरिक्त हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाए। जो भगवान निष्काम है उनमें कामना जग जाती है, प्रिया जी को पानी की इच्छा हो जाती श्री कृष्ण। वही तेरे दिव्य प्रेम का है यह जादू भरा मधुर परिणाम। हम जो अतृप्त होकर रो रहे हैं, श्री गौर के रूप में जो पागल होकर के छटपटा रहे हैं, ये केवल किशोरी जी की, ये भगवान की स्थिति ऐसी है। श्री कृष्ण चाहते हैं लेकिन श्री कृष्ण नहीं प्राप्त कर सकते। प्रिया जी का रस चाहते हैं, प्रिया जी का प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा अतृप्त बना रहे हैं।